दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइस आज मैं आपको लाइव मार्केट में बताने वाला हूँ कि आप मूविंग एवरेज के जरिए कैसे आप ट्रेड को ले सकते हो और कैसे मूविंग एवरेज काम करता है। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने ग्रो डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पे मैं डेमो के लिए निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, बाकी गाइस आप कोई भी दूसरा इंडेक्स भी ओपन कर सकते हो। सो यहाँ पे हम चलेंगे टर्मिनल पे, एंड जैसे आप टर्मिनल पे आओगे सो यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको ग्रो टर्मिनल करके देखने को मिलेगा। अभी गाइस यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखने को मिल जाता है। अच्छी बात ऐसा है कि यहाँ पर आपको फिर सभी इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। सो अभी यहाँ पर मैं नॉर्मली एक लेआउट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि कैसे काम करता है और कैसे यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज लगाना रहता है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे पूरा जो भी चार्ट है क्लियर कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले चार्ट में मूविंग एवरेज लगा लेना है। कैसे लगाओगे? सो यहाँ पे आपको आना है एफएक्स में। सो जैसे यहाँ पे आप इंडिकेटर में आओगे सो यहाँ पे आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। इस तरीके से आपको सर्च करना है। सो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज से रिलेटेड बहुत सारे इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे मैं नॉर्मल वाला सिंपल वाला मूविंग एवरेज लगाना है। सो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते यहाँ पे आपकी चार्ट पे लग जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे आपको जो लाइन दिख रही है इसी को हम मूविंग एवरेज बोलते हैं, एंड बाकी जो मूविंग एवरेज है सो यहाँ से आप सेटिंग में आके इसका स्टाइल वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको थोड़ा सा इसको डार्क करना है थिकनेस वगैरह, सो इस तरीके से आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। एंड बाकी जो लाइन है इसका अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है सो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। अभी गाइस यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज के जरिए कैसे ट्रेड लेना है, सो यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे जो भी लाइन है इसके नीचे रेड वाली कैंडल क्लोजिंग दे देगी सक्सेसफुली, तब यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। यहाँ पे आपको ईजिली एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। एंड बाकी जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी ग्रीन कैंडल, सो फिर यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शन को बाय कर लेना है। यहाँ पे भी आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप इस तरीके से कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बाय करोगे। और बाकी गाइस यहाँ पे आप बैक में भी बैक टेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस वाली कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया था, आप इजीली यहाँ पे अगर एंट्री लेते पुट ऑप्शन में सो यहाँ पे भी आपको इजीली 10 से 5 पॉइंट मिल जाता। एंड बाकी गाइस यहाँ पे आप देखोगे इसके नीचे आ रहा था पूरा मॉर्निंग से, सो यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन में एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता। एंड बाकी जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देती है, बट ये मार्केट साइडवेज था। सो साइडवेज मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है और ना ही कोई इंडिकेटर भी काम करता है। सो ज़्यादातर हर किसी की स्ट्रेटेजी और जो इंडिकेटर रहता है ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे से काम करते हैं। सो अभी यहाँ पे आप देखोगे इस लेवल पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया था, सो इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे मोमेंटम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड बाकी गाइस यहाँ पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे दी थी एक अच्छी कैंडल, फिर जैसे यहाँ पे जो भी ये कैंडल इसका हाई ब्रेक होता है सो यहाँ पे आप इजीली ट्रेड लोगे कॉल ऑप्शन में, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको कितना अच्छा मोमेंटम मिल गया है। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में ट्रेड लोगे। बाकी गाइस अगर मैं आपको लाइव में दिखाऊं सो यहाँ पे मैं लाइव में दिखाने के लिए एक मिनट का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे एक मिनट पे मार्केट ने इस लेवल से बाइंग का सिग्नल दिया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया था कैंडल को। सो यहाँ पे आप जैसे इसका हाई ब्रेक होगा सो यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता कॉल ऑप्शन में। जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे इस लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग तो दे दिया है, बट थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, अच्छे से यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर यहाँ पे भी सेलिंग में यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है इस कैंडल की सो फिर यहाँ पे आप इजीली पुट ऑप्शन में एंट्री बना सकते हो, एंड यहाँ पे आपको इजीली 5 से 10 पॉइंट मिल जाएगा। सो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखोगे वैसे तो यहाँ पे अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे इस कैंडल ने ऊपर की साइड में यहाँ पे बहुत ही भयंकर एक मोमेंटम दिया था, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई थी। और अभी यहाँ पे जो भी कैंडल है पूरी रिवर्स हो गई है। अभी यहाँ पे जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग आएगी सो यहाँ पे आप इजीली एक पुट ऑप्शन में एंट्री बनाओगे, और एंट्री बनाने के बाद यहाँ पे आपको इजीली 5 से 10 पॉइंट मिल जाएगा। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे 10 से 12 सेकंड में जो भी कैंडल इसका क्लोजिंग होने वाली है, सो यहाँ पे मैं आपको एक पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखने को मिले। अभी गाइस यहाँ पे मैं एक पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखने को मिले। सो यहाँ पे आप देखोगे इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे हमने इस लेवल पे एंट्री बनाया, और अभी यहाँ पे मैं एंट्री बनाया 140 पे। सो 4 पॉइंट यहाँ पे आपको इजीली मिल गया है, और जैसे यहाँ पे आपको 5 से 10 पॉइंट मिलता है सो यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जिट कर देना है। नॉर्मली स्कैल्पिंग का यही मेथड होता है। सो यहाँ पे आप देखोगे ईजिली यहाँ पे आपको 5 से 10 पॉइंट मिल जाएगा। सो आप इसी तरीके से ट्रेड करोगे, जब भी आप ट्रेडिंग लोगे सो आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना है मार्केट कैसा क्या है और यहाँ पे आपको सिग्नल कैसा मिला हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, अभी आपको जिस भी मेथड से अच्छा लगता है उस तरीके से यहाँ पे आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो। सो बस गाइस आज का वीडियो यही था, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।